नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आज हम बात करेंगे जानवरों एवं पक्षियों के पिछले पैर में पाई जाने वाली हड्डियों के बारे में। तो देखिए जानवरों के पिछले पैर में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं। हिप बोन पाई जाती है, फीमर पाई जाती है, पटेला, टिबिया फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और डिजिट एंड फैलेंजस पाई जाती है। ठीक है, तो एक एक हड्डी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिप बोन के बारे में। अब देखिए हिप बोन दो होती है, एक तो लेफ्ट साइड की हिप बोन और एक राइट साइड की हिप बोन। इन दोनों को मिलाकर बोल देते हैं हम ओस कॉक्सी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो हिप बोन होती है ये तीन हड्डियों से मिलकर बनी होती है। इसमें इलियम होती है, इशियम होती है और पूबिस होती है। अब देखो जो इलियम होती है वो इन तीनों हड्डियों में सबसे बड़ी हड्डी होती है और जो पूबिस होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। तो एक बार देख लेते हैं। तो हम बात करेंगे हिप बोन के बारे में। ठीक है, तो गाय के शरीर में कितनी हिप बोन पाई जाती हैं? दो हिप बोन पाई जाती हैं, एक तो लेफ्ट साइड की हिप बोन और एक राइट साइड की हिप बोन। और इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? ओस कॉक्सी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हिप बोन होती है वो तीन हड्डियों से मिलकर बनी होती है, इलियम, इशियम और पूबिस। जिनमें इलियम होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है और जो पूबिस होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक फोरामेन पाया जाता है जिसको बोलते हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन, ऑब्टुरेटर फोरामेन। अब फोरामेन का मतलब क्या होता है, मैंने कई बार बताया है। ठीक है, फोरामेन का मतलब होता है यानी कि हड्डी के बीच में पाए जाने वाला छिद्र जिसमें से तंत्रिकाएं एवं रक्त वाहिनियां गुजरती है, क्या बोलते हैं उसको? फोरामेन बोलते हैं। तो हिप बोन में कौन सा फोरामेन पाया जाता है? तो ऑब्टुरेटर फोरामेन पाया जाता है, जो जानवर के शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन होता है। तो ये कहां पाया जाता है? एक तो पूबिस और इशियम, इन दोनों के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करें एसिटाबुलम कैविटी की। तो एसिटाबुलम कैविटी को और क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम कैविटी को और बोलते हैं कोटिलॉयड कैविटी। तो देखिए जो तीनों हड्डी होती हैं, इलियम, इशियम और पूबिस, इन तीनों हड्डियों के जो एंगल होते हैं मिलकर क्या बनाते हैं? एसिटाबुलम कैविटी बनाते हैं। इस एसिटाबुलम कैविटी में जो फीमर का जो हेड होता है वो जुड़ता है और जॉइंट कौन सा बनता है? हिप जॉइंट बनता है। ठीक है, तो एक कोटिलॉयड कैविटी किससे मिलकर बनी होती है? इलियम, इशियम और पूबिस, इन तीनों हड्डियों के जो कोण होते हैं मिलकर क्या बनाते हैं? एसिटाबुलम या कोटिलॉयड कैविटी बनाते हैं, जिसमें फीमर का हेड जुड़ता है और हिप जॉइंट बनता है। देखिए वही हिप जॉइंट किससे मिलकर बना होता है? तो एसिटाबुलम कैविटी और फीमर के हेड से मिलकर बना होता है। देखिए इलियम बोन होती है, इलियम बोन का जो आंतरिक एंगल होता है ना, आंतरिक कोण, उसको क्या बोलते हैं? ट्यूबर सैक्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबर सैक्रल बोलते हैं। इलियम हड्डी होती है उसका जो आंतरिक कोण होता है, अंदर वाला कोण होता है, उसको ट्यूबर सैक्रल बोलते हैं। और जो बाहर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ हिप। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ हिप बोलते हैं या ट्यूबर कॉक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबर कॉक्सी, यानी कि जो इलियम हड्डी होती है उसका जो भारी कोण होता है ना, उसको बोलते हैं ट्यूबर कॉक्सी, जो क्या बनाता है? पॉइंट ऑफ हिप बनाता है, यानी कि हिप बोन का क्या बनाता है? उभार बनाता है। ठीक है, अब देखिए पिन बोन, पिन बोन किसे कहते हैं? यानी कि हम बात करें गाय की, तो गाय में जो इशियल ट्यूब्रोसिटी होती है, गाय में जो इशियल ट्यूब्रोसिटी होती है वो कैसी होती है? त्रिकोणाकार की होती है, जिसको क्या बोलते हैं? पिन बोन बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगला है पेल्विक सिम्फाइसिस। तो पेल्विक सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस का मतलब क्या होता है? सिम्फाइसिस का मतलब ये होता है यानी कि जब दो समान आकार की हड्डियां आपस में जुड़ती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिम्फाइसिस बोलते हैं। तो देखो एक तो राइट साइड की और एक लेफ्ट साइड की, जब दोनों हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं किसके द्वारा? कार्टिलेज के द्वारा, तो उसको बोलते हैं हम क्या? सिम्फाइसिस बोलते हैं। तो इसमें देखो एक तो पूबिस सिम्फाइसिस आ जाएगा और एक इशियल सिम्फाइसिस। तो पूबिस और इशियल ये दोनों सिम्फाइसिस मिलकर क्या बनाते हैं? पेल्विक सिम्फाइसिस बनाते हैं। अब देखो ये तो हो गई जानवरों की हिप बोन की बात। ठीक है, अब हम बात करें पक्षियों की। तो देखो जो पक्षियों की जो हिप बोन होती है या एसिटाबुलम कैविटी होती है वो कैसी होती है? छिद्रित होती है। पक्षियों की बात करें हम तो पक्षियों की एसिटाबुलम कैविटी होती है वो कैसी होती है? छिद्रित होती है। और पक्षियों की हिप बोन में एक अतिरिक्त फोरामेन पाया जाता है जिसको बोलते हैं इलियोस्टेटिक फोरामेन। ठीक है, तो इसको लिख लेना, यानी कि जो पक्षी होते हैं
उनकी हिपबोन में एक एक्स्ट्रा फोरामेन पाया जाता है जिसको बोलते हैं इलियो स्टेटिक फोरामेन। ठीक है, तो एक बार से दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, हिपबोन की। तो हिपबोन होती है वो कूल्हे की अस्थि होती है, और जब दोनों हिपबोन यानी कि लेफ्ट साइड की और राइट साइड की दोनों मिलकर क्या बनाती है, ऑस्कोक्सी बनाती है। और हिपबोन में क्या पाई जाती है, एसिटाबुलम कैविटी पाई जाती है। एसिटाबुलम कैविटी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, इलियम इशियम पूबिस तीनों हड्डियों के जो कोड होते हैं मिलकर क्या बनाते हैं, एसिटाबुलम कैविटी बनाते हैं। हिपबोन में पाया जाता है एक फोरामेन जिसको बोलते हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन, जो कि जानवर के शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन होता है। ठीक है, कौन कौन सी हड्डियों के मध्य में पाया जाता है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है एक तो पूबिस और इशियम दोनों के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, एसिटाबुलम कैविटी, ऑब्टुरेटर फोरामेन और हिप जॉइंट बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पिनबोन भी ध्यान रखना है, पिनबोन क्या होती है, गाय की जो हिपबोन होती है वो कैसी होती है, यानी इशियल ट्यूब्रोसिटी, गाय की हिपबोन में इशियल ट्यूब्रोसिटी होती है वो कैसी होती है, त्रिकोण आकार की होती है जिसको बोलते हैं पिनबोन। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई हिपबोन की बात, आगे हम बात करेंगे फीमर की। देखिए देखिए दूसरी हड्डी है फीमर। फीमर जो हड्डी होती है वो जानवर के शरीर की सबसे बड़ी एवं सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, तो जानवर के शरीर की सबसे बड़ी एवं सबसे लंबी हड्डी है। अब फीमर की विशेषता क्या है, देखो फीमर हड्डी में एक तो ट्रोकेंटर मेजर पाया जाता है, ट्रोकेंटर मेजर पाया जाता है और ट्रोकेंटर माइनर पाया जाता है। और ट्रोकेंटर रिज, ट्रोकेंटर रिज ये क्या है, इसकी विशेषता है। ठीक है, और क्या पाया जाता है, फोबिया कैपिटिस, फोबिया कैपिटिस। कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है फीमर के हेड पर, फीमर के हेड पर पाया जाता है। तो ट्रोकेंटर माइनर, ट्रोकेंटर मेजर और फोबिया कैपिटिस ये किस हड्डी की विशेषता है, तो ये फीमर हड्डी की विशेषता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करें घोड़े की, तो जो घोड़े की जो फीमर होती है उसमें एक तो एस्ट्रा क्या पाया जाता है, थर्ड ट्रोकेंटर पाया जाता है, थर्ड ट्रोकेंटर पाया जाता है। ठीक है, और क्या पाया जाता है, यानी कि जो फोबिया कैपिटिस होता है ये कैसा होता है, गहरा होता है। फोबिया कैपिटिस होता है वो कैसा होता है, गहरा होता है। ठीक है, ये तो हो गई फीमर की बात। अब देखो अब हम बात करें कुत्ते की, कुत्ते की फीमर के कॉन्डाइल पर, कॉन्डाइल पर कुत्ते की फीमर के कॉन्डाइल पर सिस्मोइड बोन के लिए, सिस्मोइड बोन के लिए फेसेट होता है, फेसेट होता है जिसे क्या बोलते हैं, हवेला बोलते हैं, जिसे हवेला कहते हैं। ठीक है, ये हो गई फीमर की बात, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं फीमर की, तो फीमर हड्डी होती है वो जानवर के शरीर की सबसे बड़ी एवं सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, और फीमर की विशेषता क्या है, एक तो इसमें ट्रोकेंटर मेजर पाया जाता है, ट्रोकेंटर माइनर पाया जाता है और
एक पाया जाता है फोविया कैपिटिस, जो कि फीमर के हेड पर पाए जाने वाला क्या होता है, दसाब होता है। अब देखो घोड़े के फीमर की हम बात करें तो उसमें एक तो थर्ड ट्रोकेंटर पाया जाता है, और ये जो फोविया कैपिटिस होता है, फोविया कैपिटिस होता है वो क्या होता है, गहरा होता है। ठीक है, कुत्ते की बात करें तो कुत्ते की जो फीमर होती है उसके जो कोंडाल होते हैं, अब ये कोंडाल ट्रोकेंटर ठीक है, ये क्या होते हैं, ये आपको टर्मिनोलॉजी में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वो वीडियो आप देख लेना। तो कोंडाइल पर सिस्मोड बोन के लिए, अब सिस्मोड बोन कौन सी होती है, पटेला होती है। सिस्मोड बोन के लिए क्या होता है, फेसेट होती है, जिसे क्या बोलते हैं, फवेला बोलते हैं। फेसेट का मतलब क्या होता है, जुड़ने वाली सतह। तो आगे हम बात करेंगे पटेला की। देखिए अब बात करेंगे पटेला की। पटेला देखो, पटेला जानवर के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी सिस्मोड बोन होती है, और कहां पाई जाती है, स्टाइपल जॉइंट पर पाई जाती है। सभी जो जानवर होते हैं ना उनमें यह त्रिकोणाकार की होती है, जबकि घोड़े में यह ऐसी होती है चतुष्कोणीय है। घोड़े में कैसी होती है, चतुष्कोणीय होती है। ठीक है, तो फीमर की ट्रोकलिया के सामने स्थित हड्डी कौन सी होती है, पटेला होती है। यानी कि जो फीमर होती है ना, फीमर की ट्रोकलिया के सामने, ये ट्रोकलिया ऐसे होती है, ट्रोकलिया के सामने स्थित जो हड्डी होती है वो कैसी होती है, पटेला होती है। अब देखो ये जानवर के शरीर की, जानवर के शरीर की सबसे बड़ी सिस्मोड बोन है, सिस्मोड बोन है। अभी सिस्मोड बोन क्या होती है, जब हमने हड्डियों का वर्गीकरण पढ़ा था तो उसमें बताया था सिस्मोड बोन क्या होती है, यानी कि ये बीजनुमा आकृति की हड्डियां होती हैं, जो दो हड्डियों के बीच में पुली का कार्य करती है, ताकि दोनों हड्डियों के बीच में घर्षण कम से कम हो। तो इनके बीच में पुली का काम कौन करेगी, ये पटेला करेगी। ठीक है, पटेला कहाँ पाई जाती है, ये स्टाइपल जोन पर पाई जाती है, जानवर के शरीर की सबसे बड़ी सिस्मोड बोन है। ठीक है, जो कहाँ पाई जाती है, ये स्टाइपल जोन पर, स्टाइपल जोन पर पाई जाती है। देखिए सभी जानवरों में इसकी आकृति कैसी होती है, त्रिकोणाकार, त्रिकोणीय होती है, जबकि घोड़े में, चतुष्कोणीय होती है, घोड़े में चतुष्कोणीय होती है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई किसकी बात, पटेला की बात। पटेला होती है वो जानवर के शरीर की सबसे बड़ी सिस्मोड बोन होती है, फीमर की ट्रोकलिया के सामने पाई जाती है, स्टाइपल जॉइंट पर पाई जाती है। ठीक है, और जब सभी जानवर होते हैं उसमें आकृति होती है वो त्रिकोणाकार होती है, जबकि घोड़े में कैसी होती है, चतुष्कोणी होती है। अब हम बात करेंगे टिबिया और फिबुला की। तो देखिए टिबिया और फिबुला की बात करें तो देखिए पोपलिटियल नोच और एंटीरियर ट्यूब्रोसिटी, ये दोनों किसकी विशेषता है, तो ये टिबिया की विशेषता है, टिबिया की विशेषताएं, पोपलिटियल नोच और एंटीरियर ट्यूब्रोसिटी। देखो जब हमने हड्डियों का वर्गीकरण पढ़ा था तो लॉन्ग बोन्स के अंतर्गत किस किन को शामिल करते हैं हम,
एक तो अगले पैर की हुमरस आ जाती है, रेडियस और अल्ना आ जाती है, उसके बाद मेटाटार्सल आ जाती है। जब हम पिछले पैर की बात करें तो पिछले पैर में देखो एक तो फीमर आ जाएगी, फीमर के बाद में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, टिबिया, यानी कि जो फिबुला हड्डी होती है ना, ये क्या है, बहुत ही अल्प विकसित होती है और अवशेषी होती है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, फिबुला हड्डी अत्यधिक अल्प विकसित होती है, अल्प विकसित होती है, जो अवशेषी रूप में पाई जाती है, जो जो अवशेषी के रूप में पाई जाती है। अवशेषी रूप में पाई जाती है, इसीलिए फिबुला को लॉन्गो बोन्स में शामिल नहीं करते। ठीक है, तो ये तो टिबिया फिबुला की बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, टार्सल्स। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे टार्सल्स बोन के बारे में। तो टार्सल बोन का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, देखिए ये हो जाएगी टिबियो टार्सल और ये हो जाएगी फिबुलर टार्सल। ठीक है, और ये सी प्लस फोर, ये हो जाएगी एक और ये हो जाएगी दो प्लस तीन, आपस में जुड़ी रहती है। ठीक है, ये हो गया गाय का टार्सल सूत्र, गाय का टार्सल सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं टार्सल बोन की। जो टार्सल बोन होती है वो कैसी बोन होती है, छोटी बोन होती है, शॉर्ट बोन। ठीक है, कहां पाई जाती है ये, यानी कि पिछले पैर में हॉक जॉइंट पर पाई जाती है, और जो कार्पल्स बोन होती है वो अगले पैर में नी जॉइंट पर पाई जाती है, और ये दोनों कैसी बोन है, शॉर्ट बोन है। तो देखिए हम बात करें जानवरों में टार्सल बोन की संख्या की, तो गाय में कितनी पाई जाती है, पांच पाई जाती है, घोड़े में छह पाई जाती है। ठीक है, कुत्ता और सुअर में कितनी पाई जाती है, सात पाई जाती है, और मुर्गे में टार्सल बोन होती है वो अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, अब देखिए यानी कि फिबुलर टार्सल हड्डी का जो ट्यूबरकुलोसिस भाग होता है वो क्या बनाता है, पॉइंट ऑफ हॉक बनाता है, क्या बनाता है, पॉइंट ऑफ हॉक बनाता है, कि हॉक जॉइंट होता है ना गाय में, उसके पीछे को वारसा निकला रहता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ हॉक बोलते हैं। किससे मिलकर बना होता है वो, फिबुलर टार्सल हड्डी का ट्यूबरकुलोसिस भाग होता है वो। ठीक है, अब देखिए ट्यूबरकुलोसिस और सस्टेंटिकुलम ताली, ये दोनों फिबुलर टार्सल हड्डी की क्या है, विशेषताएं। ठीक है, फिबुलर टार्सल हड्डी की दोनों विशेषताएं, एक तो ट्यूबरकुलोसिस और सस्टेंटिकुलम ताली। अब देखिए जो फिबुला हड्डी होती है उसका एक अवशेषी भाग होता है जिसको बोलते हैं लेटरल मेड्यूलस। ठीक है, तो ये फिबुला हड्डी का क्या होता है, अवशेषी भाग होता है, जो कहां पाया जाता है, हॉक जॉइंट पर पाया जाता है, यानी कि जो फिबुला हड्डी होती है उसी को क्या बोलते हैं, अवशेष के रूप में पाई जाती है, उसी को बोलते हैं लेटरल मेड्यूलस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई अपने पिछले पैर की हड्डी, अब बची क्या, डिजिट और फेलेंजस। तो डिजिट और फेलेंजस होती है वो अगले पैर और पिछले पैर में सेम होती है। ठीक है, तो ये अपने अगले पैर की हड्डी हो गई, एक बार इनको दोबारा से रिपीट कर लेते सभी को। ठीक है, जब हम आगे बात करेंगे जॉइंट के बारे में, तो ये गाय का टार्सल सूत्र है, यानी कि ये तो हो जाएगी टिबियो टार्सल और ये हो जाएगी फिबुलर टार्सल, और सी और ये आपस में जुड़ी रहती है। ठीक है, ये एक पाई जाती है और दो और तीन होती है वो आपस में फ्यूज रहती है। तो ये गाय का टार्सल सूत्र है, जैसे कार्पल सूत्र था ऐसे ही पिछले पैर में बिल्कुल सेम ऐसी अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए एक बार दोबारा से अब तक जो कुछ भी पढ़ा है सभी को पांच मिनट में रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो कान खोल के बैठना है, सिर्फ आपको सुनना है। देखिए हम बात कर रहे हैं गाय के पिछले पैर की हड्डियों के बारे में, तो देखिए गाय के पिछले पैर में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं, हिप बोन पाई जाती है, फीमर पाई जाती है, पटेला पाई जाती है, टिबिया फिबुला पाई जाती है, टार्सल पाई जाती है, मेटा टार्सल पाई जाती है, और डिजिट एंड फेलेंजस पाई जाती है। तो हम बात करेंगे किसकी पहले, हिप बोन की। तो देखो हिप बोन होती है वो दो होती है, एक तो लेफ्ट साइड की और एक राइट साइड की, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, ऑस्कॉक्सी बोलते हैं। हिप बोन होती है वो तीन हड्डियों से मिलकर बनी होती है, इलियम, इशियम और पूबिस, जिनमें इलियम सबसे बड़ी होती है, पूबिस सबसे छोटी होती है। एसिटाबुलम कैविटी पाई जाती है,
इलियम, इशियम और पूबिस तीनों हड्डियों के जो कोण होते हैं मिलकर क्या बनाते हैं, एसिटाबुलम कैविटी बनाते हैं। ऑब्टूरेटर फोरामेन पाया जाता है, जो जो जानवर के शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन होता है, ठीक है। ऑब्टूरेटर फोरामेन होता है, वो जानवर के शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन होता है, पूबिस और इशियल ट्यूक्रोसिटी के मध्य में पाया जाता है। उसके बाद हमने बात की थी हिपजोंट की, हिपजोंट किससे मिलकर बना होता है, यानी कि एसिटाबुलम कैविटी और फीमर का हेड मिलकर क्या बनाते हैं, हिपजोंट बनाते हैं। गाय की जो इशियल ट्यूक्रोसिटी होती है त्रिकोण आकार की होती है, क्या बोलते हैं उसको, पिनबोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिनबोन बोलते हैं। अब देखिए जो इलियम हड्डी होती है, इलियम हड्डी का जो आंतरिक भाग होता है ट्यूबर सैक्रल बनाता है, और जो भारी भाग होता है पॉन्टॉक हिप बनाता है, ठीक है। मुर्गे की बात करें तो मुर्गे की जो एसिटाबुलम कैविटी होती है वो कैसी होती है, छिद्रित होती है, और मुर्गे की हिप बोन में एक अतिरिक्त फोरामेन पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, इलियोस्टेटिक फोरामेन बोलते हैं। अब हम बात करें किसकी, फीमर की। तो देखो फीमर हड्डी की विशेषता यही है, एक तो उसमें ट्रोकेंटर मेजर पाया जाता है, ट्रोकेंटर माइनर पाया जाता है, और ट्रोकेंटर रिज पाया जाता है, ठीक है। और फीमर का जो हेड होता है उसके सिर पर एक धसाव होता है जिसको बोलते हैं फोविया कैपिटिस। घोड़े की बात करें तो घोड़े में एक थर्ड ट्रोकेंटर पाया जाता है, और ये जो फोविया कैपिटिस होता है ये थोड़ा गहरा होता है, ठीक है। और कुत्ते की बात करें हम तो कुत्ते की जो फीमर होती है उसके कोंडाइल पर सिस्मोइड बोन को जुड़ने के लिए दो फेसेट पाई जाती है जिनको बोलते हैं फवेला। ये फीमर की बात हो गई। पटेला की बात करें, पटेला क्या होती है, फीमर की ट्रोकलिया के सामने पाई जाने वाली जो हड्डी होती है उसको पटेला बोलते हैं। स्टाइपल जॉइंट पर पाई जाती है, सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन होती है, हैं? सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन होती है। घोड़े में कैसी होती है, ये चतुष्कोणीय होती है, बाकी जानवरों में त्रिकोणाकार होती है। ये हो गई पटेला की बात। अब हम बात करें किसकी, टिबिया और फिबुला की। तो देखिए पोपलिटियल नोच और एंटीरियर ट्यूब्रोसिटी, ये दोनों टिबिया की विशेषता है। फिबुला जो हड्डी होती है वो अत्यधिक अल्प विकसित होती है और अवशेषी के रूप में पाई जाती है। ये तुम्हारी टिबिया और फिबुला हो गई। बात करें टार्सल की, तो जानवरों में टार्सल बोन की संख्या कितनी होती है, देखो गाय में होती है 5, गाय में कितनी होती है 5, घोड़े में 6, कुत्ता और सुअर में 7, और मुर्गे में 0, यानी कि गोल गोल अंडा, ठीक है। अब देखिए हम बात करें कि जो हॉक जॉइंट होता है, हॉक जॉइंट पर एक उभार पाया जाता है जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ हॉक, किससे मिलकर बना होता है बताओ, अभी बताएं, तो वो होता है ट्यूबर कैल्सिस भाग। फिबुलर टार्सल हड्डी का ट्यूबर कैल्सिस भाग होता है जो पॉइंट ऑफ हॉक बनाता है। और देखिए यानी कि ट्यूबर कैल्सिस और सस टेंटिकुलम ताली, ये दोनों फिबुलर टार्सल हड्डी की विशेषता है भाई। लेटरल मेल्यूलस क्या होता है, यानी कि जो फिबुला होती है ना उसका जो अवशेषी भाग होता है उसको लेटरल मेल्यूलस बोलते हैं, कहाँ पाई जाती है, ये हॉक जॉइंट पर पाई जाती है, ठीक है। और डिजिट और फेलेंजस होती हैं वो तो बिल्कुल सेम होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई अपने पिछले पैर की हड्डियों का विवरण। अब आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।